नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के किरण पब्लिकेशन के बिहार शिक्षक के माध्यमिक विद्यालय शिक्षक हिंदी विषय के क्लास 9 से 9-10 के लिए हिंदी के सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित प्रैक्टिस वर्कबुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। इस पुस्तक में आपको भाग वन में आपको हिंदी देखने को मिलेगा 80 नंबर के और 40 मार्क्स के आपको सामान्य अध्ययन का पेपर देखने को मिलेगा। कुल 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 120 अंक के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया जो बिहार शिक्षक का है। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बिहार शिक्षक के हिंदी विषय के लिए क्लास 9 से 10 के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी देखने को मिलने वाले हैं। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 235 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेज के बारे में तो 248 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस बुक के अंदर आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये बीपीएससी बिहार शिक्षा के लिए क्लास 9-10 के लिए हिंदी के सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक है। और 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें भाग एक में हिंदी देखने को मिलेगा, भाग दो में सामान्य अध्ययन देखने को मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले विषय सूची में देखेंगे, कंटेंट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। साथ में आपको बताया गया कि लेखक एवं कवियों की बायोग्राफी बताया गया, मतलब जीवनिया बताया गया। उसके बाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9 और 10 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें दो पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी 80 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल यहाँ पे क्लास 9 और 10 के लिए, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हिंदी क्लास 9 के पाठ्यक्रम यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें कृतियाँ हो गए, क्षितिज हो गए, उसके बाद यहाँ पे कृति में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अध्याय ये कृति में कृतिकाएं में इस जल प्रलय में मेरे संगे की औरतें रीढ़ की हड्डी माटी वाली। फिर अध्याय 5 में आपको किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको काफ़ी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे क्लास 9 में, क्लास 10 में, सब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 36 में आपको दो बैलों की कथा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लहसा की ओर उपभोक्ता की संस्कृति, सावले सपनों की याद है, नाना साहब की पुत्री देखी मैना को भस्म कर दिया, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, सखिया एवं शब्द, वाक सवैया, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कहानी गोधुली में देखेंगे यहाँ पे कहानी का प्लॉट, भारत का पुरातन विद्यापीठ, ग्राम गीत का मर्म, लाल पान की बेगम, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों की में सावक फिल्मों तक है। उसके बाद अष्टावक्र, टॉलस्टॉय के घर में, पधारो माहे देश, रेल यात्रा, निबंध, सूखी नदी का पुल, शिक्षा के हेर फेर। उसके बाद रैदास, मांझन, गुरु गोविंद सिंह, पलक पावरे, मैं नीरे भारी दुख की बदली। उसके बाद आ रही रवि की सहारी, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे स्पर्श में आपको देखने को मिलेगा दुख का अधिकार, उसके बाद धर्म की आर, उसके बाद रैदास के पद, रहीम के दोहे, अग्नि कथा, पथ कविता। उसके बाद यहाँ पे मेरा ईश्वर, रुको बच्चों, निम्मो की मौत, उसके बाद समुद्र, कुछ सवाल। कक्षा 10 में आपको इसी तरह कृति, क्षितिज, स्पर्श, गोधुल और पद देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट में आपको वर्णिका देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्लास 10 में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले कृतिका, माता की आंचल, उसके बाद जर्ज, पंचम की नाक, साना साना हाथ जोरी, यही ठैया झुलनी हेराई हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद 36 में सूरदास के पद, राम लक्ष्मण पशुराम संवाद, सवैया आत्मकथा, उत्साह अट नहीं रही है, यह दत्तुरंत मुस्कान फसल, कन्यादान संगतकार, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखवनी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, नौबत खाने की में इबादत, संस्कृति, स्पर्श में आपको देखने को मिलेगा सखी, मनुष्यता, पर्वत प्रवेश में पावस, मधुर मधुर में दीपक जलन, कर चले हम फिदा,
उसके बाद गोधुल में गध आपको देखने को मिलेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। विषय के दांत कहानी, भारत में हम क्या सीखे, उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद नगरी लिपि, बहादुर परंपरा का मूल्यांकन, उसके बाद जीते मैं निखरता हूँ, आवि इंडियो मछली, शिक्षा और संस्कृति पद्य, राम नाम विनु वृथे जगनी जमुना, उसके बाद प्रेम आईनी सी श्री राधिका, उसके बाद अति सुधो सनहे, जो भी देखिएगा बहुत अध्याय चार में आपको स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिन तुम प्रभु, वर्णिका में आपको दही वाली माँ, उसके बाद ढटते विश्वास, माँ नगर धरती कब घूमेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सामान्य हिंदी बिहार शिक्षा के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि इस एग्जाम के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ दोस्तों आप देखेंगे तो लेखक एवं कविताओं की जो लेखक है और जो कवि हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में बताया गया, फिर रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया गया, तो अलग अलग कवि और लेखक के बारे में यहाँ पे उनके जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मीराबाई के बारे में बताया गया, भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया, सूरदास के बारे में बताया गया, सभी जितने इंपॉर्टेंट कवि हैं ना उनके बारे में बताया गया, लेखक के बारे में बताया गया। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित क्लास 9 और 10 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और इसमें देखने को मिलेगा सबसे पहले अध्याय 9 क्लास 9 अध्याय 1 हो जाएगा, अध्याय 2 हो जाएगा, अध्याय 3 हो जाएगा, उसके बाद अध्याय 4 5 हो जाएगा हिंदी, उसके बाद सारे अध्याय से आपको सारे टॉपिक से टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलने वाला है इस बुक के अंदर। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बुक में कोई भी कमी नहीं है, इस बुक को आप बिना सोचे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, बहुत ही शानदार बनाया गया है, इस बुक से आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस पे ये बुक है तैयार किया गया है, ठीक है। 9 और 10 टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कवर किया गया है, दोनों में जो कॉमन है उसको भी शामिल किया गया है, और ये दोनों आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी से ही आपका काम चल जाएगा, एससीईआरटी भी देखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट में भाग एक में दो पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा, भाग एक में 80 क्वेश्चन 80 अंक है। अब यहाँ से आपको जो है लेखक के बारे में भी पूछा गया है, ग्रामर भी पूछा गया है, सारा कुछ पूछा गया है, कौन हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है, तो हिंदी भाषा के बारे में पूछा गया है, कौन सा आंखें का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द हो गया मतलब हिंदी ग्रामर हो गया, लेखक हो गया, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो ये लेखक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दीनादास जीवन री ये चौपाई मतलब क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बुक से भी पूछा गया है, जो आपका बुक है वहाँ से भी पूछा गया, बेसिक हिंदी ग्रामर भी पूछा गया, मतलब कंप्लीट हिंदी को आपको कवर करना होगा बेहतरीन तरीके से, और इस बुक के माध्यम से वो चीज़ आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखेंगे, ठीक है, तो ये तो मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे बताया गया है कि क्लास 9 और 10 का क्या पाठ्यक्रम है उसको बताया गया, उस पर आधारित ये आपको बुक देखने को मिलने वाला है, ठीक है, सेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं भाग 2 को, देखिएगा तो भाग 2 में आपको जनरल पेपर देखने को मिलेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ कवर किया जाता है, मतलब साइंस वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, जिसमें सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, सब कुछ टोटल 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज का जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा, सॉल्यूशन बहुत डिटेल में होता है इनका, और बहुत ही बेसिक तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर 81 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैथ्स का सॉल्यूशन दोस्तों देख सकते हैं कितना स्पष्ट है और कितना अच्छे तरीके से यहाँ सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और उसके बाद इसी तरह मॉडल प्रैक्टिस 2 आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है, हिंदी का आपको गाइड भी
भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो अगर जो मैंने आपको टॉपिक बताया अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, पूरा हिंदी को कवर करना है, तो हिंदी का मार्केट में गाइड भी आ गया है किरण पब्लिकेशन का, आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेट्स देखने को मिलेंगे, टोटल आपको 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे। और ये 15 सेट आप तैयार कर लेते हैं तो 15 × 12 मतलब 1800 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों इस बुक के माध्यम से। आप 1800 क्वेश्चन अगर तैयार करके जाएंगे आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर इस बुक को आपको लेना है दोस्तों तो लिंक का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों, और बुक तो बहुत ज़्यादा पतला है, प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आपके पास ये बुक होना चाहिए। अगर आप बात करें तो यहाँ पर विज्ञान विषय का गाइड आ चुका है, सामाजिक विज्ञान का गाइड आ चुका है, सामान्य अध्ययन का गाइड आ चुका है, ठीक है, तो इन सब्जेक्ट का गाइड आ चुका है। प्रैक्टिस से बुक आपको देखने को मिलेगा, शिक्षक है जो लैंग्वेज का उसका प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस बुक आ चुके हैं, और कक्षा 1 से 5 के लिए भी आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन का बिहार टीचर के लिए सारे बुक लॉन्च हो चुके हैं। इस बुक को अगर आपको परचेज करना होगा तो बुक का कोड आप दोस्तों देखिएगा 43 43 10, ठीक है। तो इस बुक का कोड देखने के बाद आप परचेज कर सकते हैं, बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा इस बुक के बारे में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।